हम यहाँ हॉट एयर बलून में क्यों मौजूद हैं? इसलिए क्योंकि ये हॉट एयर बलून जो असल में लुत्फ लेने के लिए, थोड़ी हवाई सैर के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र अलग अलग जगहों पर बनाकर लोग इसको इसके जरिए लुभाते रहे हैं। हॉट एयर बलून अक्सर यही होता है कि जब आपको स्काई राइड लेनी हो लेकिन आप चाहें कि आप उसको ग्लाइड नहीं करेंगे, या आप उसमें ग्लाइडर पर जाने के बजाय या किसी हेलीकॉप्टर के पर जाने के बजाय या किसी एयरक्राफ्ट में जाने के बजाय आप हॉट एयर बलून के जरिए धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और ये एक तरीके से स्काई पिकनिक का मज़ा देता है। लेकिन यहाँ वो जो लोगों के लिए पर्यटन और लुत्फ लेने का सामान रहा है उसको भी चाइना ने चेंज कर दिया, और अब वो शक की निगाहों से देखा जाएगा। कोई भी साधारण सर्दी जुकाम अब शक की निगाहों से देखा जाता है, मेहरबानी चाइना की। कोई भी इक्विपमेंट जो आपके घर में लगा है, फोन से लेकर तमाम अप्लायंसेस, कोई एलईडी बल्ब, कौन जासूसी कर रहा हो किसी चिप के माध्यम से आप नहीं जानते, आप उनको भी शक की निगाहों से देखते हैं, मेहरबानी है चाइना की। और एक बार फिर से ये हॉट एयर बलून जिसमें ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं मौजूद हूँ, ये शक की निगाहों से देखा जा रहा है, तबाही के सामान की तरह देखा जा रहा है, मेहरबानी फिर से है चाइना की। लेकिन चाइना ने क्या कहा है, ये जिन जगहों पर स्पॉट किए गए हैं उन जगहों पर क्या कहा गया है तमाम अथॉरिटीज की तरफ से, और क्या ये सिर्फ वो जगहें हैं जहां ये स्पॉट किए गए हैं या कई और दूसरी जगहों पर भी हो सकते हैं? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान मेजर जनरल वी के दत्ता आपको इस बारे में जानकारी देंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और JNU में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि दुनिया में चलने वाली किन चीज़ों के मायने क्या होते हैं। डॉक्टर पी के घोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेवल एक्सपर्ट, और वो हमें ये बताएंगे कि इस समय दुनिया में जो बातें जैसी दिखाई दे रही हैं उसमें उन बातों के निहितार्थ क्या हैं, और जो दिखाई नहीं दे रही हैं उन किन बातों को समझना चाहिए। लेकिन पहले ये अहम खबर देखिए, अमेरिका में एक जासूसी गुब्बारे से हड़कंप मच गया मोंटाना के बाद, और ये भी बताता चलूं कि मनीष झा भी आपको विंडो में नजर आ रहे थे, मनीष झा भी आपके साथ मुखातिब रहेंगे, मनीष झा हमारे सहयोगी, उनको मैं उनका परिचय कराना भूल गया क्योंकि जब तक मैंने स्क्रीन में देखा वो नमूदार हो गए हैं तब तक देर हो। मनीष झा भी हमारे साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि ये गुब्बारे क्या कहते हैं, कौन से नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है रशिया और उसके लिए किस तरीके से उसको अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं उस हॉट एयर बलून से संबंधित ये खबर जो इस समय पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, और यहाँ हम आज मुख्य रूप से जिस थीम पर चर्चा करेंगे वो बलून तो है ही, साथ में फाया, जो डर गया सो मर गया। पहले ये जरा देखिए, मोंटाना के बाद अब लैटिन अमेरिका में दिखा चीनी गुब्बारा, आसमान में 60,000 फीट की ऊंचाई पर है ये गुब्बारा। चीनी गुब्बारे को लेकर पूरे अमेरिका में खौफ, लैटिन अमेरिका में खलबली, चीनी गुब्बारा लैटिन अमेरिका में अभी किस देश से गुजर रहा है इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, कहा जा रहा है इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसलिए पल पल की अपडेट्स नहीं दी जा सकती। ये अभी लैटिन अमेरिका में कहा यह जा रहा था कि मिड ऑफ द लैटिन अमेरिका उसके ऊपर से गुजरता हुआ ये आगे जा रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, आगे किस जगह की तरफ ये हेड कर रहा है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। और ये देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं ये हॉट एयर बलून आपके स्क्रीन पर, इस लाल दायरे के भीतर ये जो चमकता हुआ गोला आपको दिखाई दे रहा है ये है वो हॉट एयर बलून, और ये अलग किस्म के हॉट एयर बलून हैं। ये वैसे हॉट एयर बलून नहीं जैसा सैलानियों के मामले में आपने देखा होगा, जिस तरीके के हॉट एयर बलून में आपसे कुछ देर पहले मैं सवार था, ये दूसरी तरह के हॉट एयर बलून हैं। इनके मतलब क्या हैं, इनके मायने क्या हैं, क्या इनसे जासूसी की जा रही है, ये कितने गुब्बारे छोड़े गए हो सकते हैं, क्या हर जगह पर ऐसे गुब्बारे को अगर वो एक खास ऊंचाई से ऊपर चला गया है तो स्पॉट किया जाना देखा जा सकना संभव होगा क्या या नहीं होगा, और क्या ऐसी जगह भी हो सकती हैं जहां ये आसमान में मंडरा रहे हों लेकिन इनको नीचे देखा ना जा सकता हो, क्या ऐसा भी मुमकिन है? ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।